एक बहुत अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें साझा कर लेते हैं। एक ये सेल्फी देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी सेल्फी देखिए। फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हूं। इन सेल्फियों को देखने के बाद आपको कुछ और दिखाऊंगी। 10 नवंबर 2016 को इस देश के तमाम अखबारों में, अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाए तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के दो दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था। और आप लोग तो प्रबुद्ध मीडिया के साथ ही, आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महंगा होता है, लेकिन ये कवर पेज का विज्ञापन छपा था जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था, पेटीएम ने छापा था। ये वही पेटीएम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं, उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं। तो ये सारी सेल्फी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम वीडियो है उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए, ये वीडियो विजय शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। आप ये सोचिए कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को अधिया दिया, जिस नोटबंदी ने हजारों लाखों एमएसएमईज बंद कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोटबंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुभ दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजय शेखर शर्मा है। उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी 8 नवंबर को ही किया था, 2021 को। खैर, परेशान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति और इसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे हैं, और ये विपक्ष ने नहीं लगाए, ये इस देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए हैं। और उन अनियमितताओं के चलते उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना वो टॉपअप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रय कर सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं पैसा। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए, सारी कार्रवाई आरबीआई ने अपने अधिनियम 35A के तहत की है। तो ये वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अखबार में इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए, तो आपको पीएमओ का की संस्तुति चाहिए होती है। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है, क्योंकि अगर खबर देखिए और रिपोर्टर्स जो आप ही लोग लगा रहे हैं उनके मुताबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के एक साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे, और आरबीआई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया। कभी जमाकर्ताओं पर रोक लगी, कभी जुर्माना लगा 6-6 करोड़ रुपए का, तमाम चीजें हुई, लेकिन उस दौरान भी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इनकी पैरवी करते रहे, इनका प्रचार प्रसार करते रहे। कुछ बातें जिन पर इनको यह सजा सुनाई गई है उसका उल्लेख कर देती हूं। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया, उसमें से 31 करोड़, 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। पैन कार्ड, एक एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया।
लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहां पर दो चीजों की बात करनी जरूरी है क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया और कंपनी ने बिजनेस बनाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा। शायद वो कहावत है हमारी तरफ, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी साथ में हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रही हैं, वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन रैली में कर रहे हैं तो डरने की क्या बात है इन लोगों को। खैर, एक और चिंता जो आरबीआई ने जताई वो पेमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग को लेकर है। करीब 49% हिस्सेदारी पेटीएम कंपनी की थी जिसे लोग 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन 51% हिस्सेदारी इस बैंक की सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजय शेखर शर्मा के पास थी, जिनकी सारी सेल्फी मैंने आपके सामने साझा करी है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है क्योंकि इससे ये साफ होता है कि एक व्यक्ति जिस तरह का भी निर्णय चाहे वो कर सकता था। अंत में आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह और ये बहुत चिंता का विषय ये भी था कि चीनी निवेश भर भर के, चीन की कंपनी का निवेश भर भर के पेटीएम में था, पहले अलीबाबा और उसके बाद भी जो एंट ग्रुप है चाइना का, उसके पास करीब 10% साझेदारी आज भी है और संभावनाएं हैं कि डेटा की साझेदारी उस कंपनी के साथ की गई। तो अंत में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े गंभीर मुद्दे खड़े हो जाते हैं जिसको उठाना जरूरी है। क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? 2017 से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी, 7 साल तक इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है, ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर, ये जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है? पहले अडानी और अब ये, बार बार जो मोदी जी के लाडले हैं उनके खिलाफ एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अंत में दो सवाल जरूरी हैं। ईडी के 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ है, क्या ईडी इससे संतुष्ट है? और पेटीएम का तमाम ट्रांजैक्शन में लेन देन है, 10 करोड़ से ज्यादा तो पेटीएम के उपभोक्ता है, क्या यह डेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर हो रहा है? सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में करीब 137 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ जिसमें पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है, क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये डेटा गोपनीय है, ये डेटा सुरक्षित है या इसकी ब्रीच हुई है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। पेटीएम का स्टॉक लगातार गिर रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इससे आहत हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गहन आरोप इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाए हैं वो किस तरह से खुला घूम रहा था और प्रधानमंत्री उसका प्रचार प्रसार और पैरवी क्यों कर रहे थे, आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश ऑन दिस। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड मल्टीपल पिक्चर्स हियर of selfies, of newspaper ads, of cash return as far as the Modi movie is concerned.
If you remember, in Uttarakhand, the Prime Minister spoke about 15% cashback up to 200 rupees on a movie that was made on him if you bought the tickets through Paytm. There are multiple selfies that have been clicked. There is an entire newspaper ad here which was put out on the 10th of November, 2 days after demonetization was announced in all leading dailies. Paytm thanked Mr. Modi for bold decisions. So here is Vijay Shekhar Sharma, who is a huge beneficiary of demonetization, known to be extremely close to the Prime Minister, and whose Paytm payment bank has now been banned by the Reserve Bank of India. But the trouble did not happen all of a sudden. The trouble had been going on for a while. And the reality is that the Paytm payment bank was found to be flouting rules from the time it was conceptualized, from the time it got a banking license. There are various things that the RBI found out. 35 crore payment Paytm banks and wallets were probed. 31 crore of them were found to be not operational. KYC was not done. Questions of money laundering have arisen. PAN cards were attached to thousands of accounts at the same time. There was no compliance report. And if compliance report, misleading compliance report was submitted by the Paytm payment banks. The relationship between Paytm and Paytm Payments Bank and various group companies has come to fore. So these are very, very serious allegations, including the one about money laundering. The reality also is that nothing concrete was done by the management as far as these irregularities was concerned. The reality also is that RBI has raised questions about the shareholding of Paytm Payment Bank. 51% of that shareholding rests with one individual. It raises questions on decision making. And last but not the least, the Chinese investment and the possibilities of data having shared with Chinese companies as far as Paytm is concerned has raised a huge cause of concern. But the questions that arise out of this are multiple, and these questions deserve answers. Is the country and are people roughshodding? Are people close to Mr. Modi roughshodding over law and order, over regulations of the RBI because of their seeming closeness and their closeness with the ruling regime, especially Mr. Modi? Why was payment Paytm Bank given such a long rope? The reality is it came to fore that there were all kinds of non-compliance from 2017 onwards. Money laundering is a very serious probe and a very serious allegation that has been leveled against Paytm. What is ED doing about it? How much money has Paytm given to BJP and to PM CARES Fund? Have they been let loose because of the donations that they have made, apart from their closeness to Mr. Modi? And last but not the least, why is it that everybody associated with Mr. Modi sees no probe, whether it is Mr. Adani or whether it's Vijay Shekhar Sharma or Paytm? And lastly, Paytm has a substantial share of digital payments. Can one put their hand on their heart and say that data has not been breached, data has not been leaked to the government, to the BJP and to the Chinese partners? These are some very substantial questions, and I think one deserves to know what the government of India is doing about it. One question I would like to ask is, if ED has found the time from probing 95% opposition leaders, maybe it needs to begin talking about Paytm and the money laundering charges there as well. मतलब ईडी की क्रेडिबिलिटी पर तो चार साल का बच्चा क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से करूंगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? ईडी की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता तो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बन चुकी है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी को बचाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता से 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ करती है, और जब इस तरह की चीजें आती है तो ईडी मानो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। ईडी को जब नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या, ललित मोदी, संदे सेसरा को वापस लाना है तो ईडी शिथिल है, और जब ऐसे मामले आते हैं तो ईडी की कोई कार्रवाई नहीं है। अभी विपक्ष का नाम आ जाए तो ईडी जो है वो रात दिन काम करने लगती है। तो ईडी की विश्वसनीयता और ईडी की शिथिलता पर बहुत बड़ा सवाल है। आरबीआई जैसी संस्था ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है तो अभी तक ईडी क्या कर रही है पेटीएम के खिलाफ, सवाल इस बात का। और पेटीएम को कौन बचा रहा है? क्या पेटीएम को खुद नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं? ये सवाल है। मैं बिल्कुल आशा करती हूं कि इस मामले को सदन में उठाया जाएगा। मैं बिल्कुल आशा करती हूं कि इस मामले की उचित कार्रवाई होगी। मैं आशा करती हूं कि जो छोटे निवेश
करता जो जिनका पैसा डूब गया, और जो लोग उपभोक्ता है पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक के, उनको क्लैरिटी मिलेगी। एक अजीब सी आशंका है लोगों के अंदर, लोग घबराए हुए हैं, लोगों को लगता है कि उनका डेटा ब्रीच हुआ है। डेटा ब्रीच होने के साथ साथ यहाँ पर पैसे की भी बात है। इतने लोग जो फास्टैग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं, उसका क्या हो रहा है? पेमेंट्स जो बहुत सारे वेंडर्स हैं तमाम हिंदुस्तान में, छोटी दुकानें, खोमचे वाले छोटे लोग, वो पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते हैं, उसका क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मुद्दा, और बिल्कुल इसको देश के सदन में गूंजना चाहिए। सरकार हर बार अपराधियों को इसलिए नहीं बचा सकती क्योंकि वो मोदी जी के साथ खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं और उनका चरण वंदन कर रहे हैं और नोटबंदी जैसे बेतुके और बिल्कुल वाहियात डिसीजंस को सबसे मजबूत और निर्णायक कदम बता रहे हैं। लोकतंत्र में अगर आपको अपने विधायकों को हटाना पड़ रहा है, अगर आपको प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर दिन है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद दिन है। और दुखद दिन इसलिए है क्योंकि ये लोकतंत्र की को तार तार करता है। ये दिखाता है कि सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान पैसे और एजेंसियों के बल पर लोकतंत्र का दम घोटने का काम करते हैं। वो खरीद फरोख्त करते हैं, वो चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, वो मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है, और बिल्कुल जो कदम उठाना होगा चुनी हुई सरकारों को बचाने के लिए, मताधिकार की रक्षा के लिए, लोगों का जो मताधिकार था उसको ऊपर रखने के लिए, वो हम करेंगे।